आपने एक नारा या सूक्ति वाक्य तो सुना ही हो, सत्यमेव जयते, मतलब कि हमेशा सत्य की विजय होती। लेकिन जरा ठहरिए, रुकिए और ये बताइए कि आपका अनुभव क्या हो सकता है कि आपको लगे कि सत्यमेव जयते सम्राट अशोक के जमाने की बीती बात हो गई, या हो सकता है जो आपको सच लग रहा है वो सच हो ही ना। जी हाँ, सच और झूठ के बीच में एक बहुत पतली सी रेखा होती है और इस महीन सी दिखने वाली रेखा का ही सब कुछ खेल है। जितने भी झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, गरीबी का व्यापार करने वाले लोग हैं, यानी कि दाद खाज खुजली की तरह फैलने वाले वामपंथी हैं, घात लगाकर बैठे हुए हैं कि कब इस रेखा को मिटा दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजफुल इडियट्स के इस एपिसोड में बात करेंगे तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाता हूँ नामक गिरोह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन मित्रों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव थोड़ा सा अलग है। लड़ाई नैरेटिव की है, और एक बार जो नैरेटिव बन जाता है उससे अलग कोई भी अधिकारी, कोई भी शासनाध्यक्ष अलग काम नहीं कर सकता है। जैसे नेहरू ने सेकुलर इंडिया की स्थापना की, एक नैरेटिव खड़ा किया, और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, सभी उस नैरेटिव से बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब का नैरेटिव खड़ा किया गया और उससे सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप देखिए इस वीडियो को। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। ये बापू नहीं है, डाकू है, बापू नाम तो शर्म आती है। इसमें एक बाबा तो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और कल की पीठ के पीठाधीश हैं। ये हैं हमारे धर्म गुरु भैया। मतलब साफ है कि एक झूठ को अगर लगातार 100 बार बोला जाता है तो वो झूठ ही सच हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जैसे ही किसी झूठ का जन्म हो उसका सिर तुरंत कुचल दिया जाए, अन्यथा वो विषाक्त बट वृक्ष का रूप ले लेगा और समाज को विषैला बना देगा। अभी कुछ दिन पहले ही सर्वज्ञानी बाबा ढकेलू ने देशभक्ति का लबादा ओढ़कर एक वीडियो की रचना की। टॉपिक था इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट फेल कैसे हो गया। वैसे तो बाबा जी ज्ञानी आदमी हैं, देखो भाई भगवा पहन के आते हैं और 4 चेले चपाटे भी हैं, तो मैं गांव का भोला भाला आदमी बाबा ही मानता हूँ। ना ना ना, गलत मत समझना मुझे, यूजफुल इडियट्स लेनिन कहा करते थे इन जैसे पट्टों को। तो हो सकता है भूल हो गई हो बाबा जी से। पहले ये क्लिप देखिए। 25 जून की उसी रात को इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी का खतरा होने का हवाला दिया। मसलन ये कि कुछ प्रोटेस्टर्स, कुछ पॉलिटिकल ऑपोजिशन, टुकड़े टुकड़े गैंग एलिमेंट्स की वजह से देश टुकड़े टुकड़े गैंग, छोटे मोटे प्रोटेस्टर, अरे भैया एक ऐसी उल्टी गंगा बहार है। सच ये है कि 25 जून को इमरजेंसी लगते ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय दलित वर्ग लीग ने अपना समर्थन इंदिरा गांधी को दे दिया था। लेकिन ये समर्थन अभी अधूरा था। कम्युनिस्टों की कोई भी कार्यवाही बिना जिहादियों के कभी पूरी नहीं होती। अब आप पूछेंगे, हे भक्त इसका सोर्स क्या है? तो बाबू ये टुकड़ा यूजफुल सीनियर कुलदीप नैयर द्वारा लिखा गया है, और मियाँ ये छोटे मोटे प्रोटेस्टर नहीं थे। जयप्रकाश नारायण उस समय देश के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी सहित देश के समस्त बड़े नेता कम्युनिस्टों को, करुणानिधि और उनकी पार्टी को,
और कुछ जिहादियों को छोड़ दिया जाए तो देश के समस्त बड़े नेता इस आंदोलन में भाग ले रहे थे और लोकतंत्र बचाने में अपना सहयोग दे रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि बाबा जी ने अपना यूजफुल इडियट्स का रोल निभाते हुए लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों को किसके बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। जो माँ दुर्गा को वेश्या कहते हैं, हिंदुओं की 100 फीट नीचे कबर खोदना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, केरला, पंजाब, आंध्र आदि राज्यों की आजादी की मांग करते हैं, मतलब बाबा जी दिन दहाड़े नाली के किनारे बैठे हुए खुजली वाले कुत्ते को अलेक्जेंडर द ग्रेट घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन इस पूरे जजमेंट का सबसे बड़ा कैच ये था कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि हर 13 में से 13 जजेस के अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन और राय थी कि स्ट्रक्चर बेसिक क्या होता है। नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बना दिया गया और जजेस को यह बात की जिम्मेदारी दी गई कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करेंगे, उसके रखवाली और चौकीदारी वो करेंगे। तो यहाँ पर बाबा जी की गलती नहीं, ये सब चेले चपाटों का किया धरा। महाराज केशवानंद भारती के मामले में 7-6 से डिसीजन हुआ। 7 के 7 जज एक सुर में इस बात पर सहमत थे कि संविधान की मूल भावना से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और इसी को उन्होंने कभी बेसिक एलिमेंट, किसी ने बेसिक स्ट्रक्चर नाम दिया, किसी ने बेसिक एलिमेंट नाम दिया, किसी ने फंडामेंटल नेचर नाम दिया। और जहां तक बात रही कि सभी जजेज अलग अलग मत के थे, एकदम ऐसा नहीं था। 7 जज एक ही मत के थे और 7ों का मतलब ये था कि संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में बताया नहीं गया। बाबा जी, अगर आप केशवानंद भारती को स्वयं गूगल करेंगे तो आपको ज्ञान अर्जित हो जाएगा कि उस समय चीफ जस्टिस SM सीकरी ने बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए लिखा है कि डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, DPSP, फंडामेंटल राइट्स और इनके बीच में समन्वय या जुडिशरी या राज्य स्टेट संबंध, इन सब के मामलों में बेसिक स्ट्रक्चर का नियम लागू होगा, मतलब इनको चेंज नहीं किया जा सकता है जब तक उन राज्यों की सहमति नहीं होगी। आपसी सहमति से हो सकती है, राज्यों के संबंध चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर या कह लीजिए संविधान की मूल भावना के विरोध में नहीं हो सकता है। अब बाबा जी इसमें बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। अरे बाबा जी, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का हक संविधान के इंसेप्शन से मिला हुआ है, और गार्डियनशिप की जिम्मेदारी उनको संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर सहित कम से कम 100 नेता हैं जिन्होंने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन कहा है। तो यहाँ पर 1973 के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन नहीं बना है, वो शुरू से ही गार्डियन था, क्योंकि उसके पास इंटरप्रेट करने की शक्ति थी, और इंटरप्रेट करने की शक्ति को ही जुडिशियल रिव्यू एक तरह से माना जाता है, या स्पेशल लीव में कोई सुनवाई करने थी। आज भारत में कुछ ही ऐसी बातें हैं जिन पर हर कोई अग्री करता है, और उनमें से एक बात है कि इमरजेंसी भारत का सबसे गलत डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही ये गलती का एहसास भी हुआ और आगे चलकर अमेंडमेंट 44 लाया गया, जिसके तहत कोई भी गवर्नमेंट, चाहे इमरजेंसी हो या लॉकडाउन हो, लेकिन भारतीय नागरिकों का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी प्रोवाइड करने वाली आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 डिनाई नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे मियां यूजफुल, सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास होने संविधान का 44वां संशोधन नहीं आया था। 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जनता पार्टी ने किया था। मियां जब्बार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी भी बात का क्रेडिट भाजपा को कैसे दें, क्योंकि जनता पार्टी में उस समय भाजपा या जनसंघ सबसे बड़ी सहायक पार्टी थी। तो दोस्तों, रॉन्ग नंबर है। सत्य की खोज के लिए गूगल द्वैपता का, महत्वपूर्ण पुस्तकों का उपयोग करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, और किसी भी फाल्स नैरेटिव में मत पड़िए, चाहे वो लेफ्ट का नैरेटिव हो चाहे राइट का नैरेटिव हो। मेरा सुझाव है, अगर आप केशवानंद भारती के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि कोचिंग UPSC का वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। दीदी मानता हूँ, अनादर मत होना, मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, अरह के बनारस में पान खाने नहीं आता।
मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठे खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं।